हमीरपुर में रिश्तों को तार तार करने का एक मामला सामने आया है, जिसमें जीजा ने अपनी साली का 6 सालों तक शारीरिक शोषण किया और मना करने पर बदनाम करने की धमकी दी। साथ ही जीजा ने साली के अश्लील वीडियो बनाए और साली के अश्लील वीडियो फोटो भी इंटरनेट पर वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म करता रहा। साली की शादी के बाद दोबारा से जीजा ने अवैध संबंध बनाने की मांग की तो हिम्मत करके साली ने हमीरपुर थाना में इसकी शिकायत की, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार पालमपुर जिला कांगड़ा निवासी युवती ने हमीरपुर के नजदीक पड़ने वाली अणुकला के निवासी श्याम सुंदर के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। वर्ष 1998 में माता पिता की हादसे में मौत होने के बाद अपने ताया के साथ पालमपुर में रहती थी, लेकिन बड़ी बहन की शादी के बाद 2008 में अपनी बहन के घर अणुकला में रहने लगी। इस दौरान वर्ष 2013 से लगातार जीजा ने दुष्कर्म किया। रिपोर्ट के अनुसार जीजा ने युवती का वीडियो भी बनाया और संबंध बनाने में मना करने पर वीडियो को इंटरनेट पर वायरल करने की धमकी देता था, जिस कारण युवती को मजबूरन जीजा की बात माननी पड़ती। हालांकि युवती की शादी 2016 में जम्मू कश्मीर में होने के बाद भी जीजा ने तंग करना बंद नहीं किया और शादी के बाद भी दुष्कर्म करता रहा, जिस कारण युवती मानसिक और शारीरिक तौर पर परेशान रही है। साली ने आज अपने जीजा के खिलाफ पुलिस थाना में जाकर मामला दर्ज किया है। एसपी हमीरपुर रमन कुमार मीणा ने पुष्टि करते हुए बताया कि साली की रिपोर्ट पर जीजा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है।